हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एस टी आई ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग इंडियन हिस्ट्री का पार्ट तीसरा देखेंगे, जो आपके पेट एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। टॉप 20 क्वेश्चन होंगे इसमें, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और इसके पहले का पार्ट आप लोग प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से सारे प्रैक्टिस सेट को तैयार किए गए हैं। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं, और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस वर्ग में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किए? तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1809 में। ठीक है, अंग्रेजों तथा विरोधी सिखों राज्यों के भय के कारण जो है रणजीत सिंह ने 1809 ईस्वी में लॉर्ड मिंटो के दूत जो था चार्ल्स मेटकाप से अमृतसर की संधि की थी, और अमृतसर की संधि जो है रणजीत सिंह तथा अंग्रेजों के मध्य हुई थी, और इस समय जो भारत का गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड पथन था। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी 1828 में? तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राजा राम मोहन राय के द्वारा। ठीक है, राजा राम ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त को 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। राजा राम मोहन राय के उपदेशों का सार सर्वधर्म संभव था। ब्रह्म समाज की स्थापना का मुख्य जो उद्देश्य था, हिंदू समाज से व्याप्त बुराइयों जैसे सती प्रथा, बहुपति विवाह, अस्पृश्यता, वैश्यागमन, जाति प्रथा, इन सभी को समाप्त करना था, इसलिए उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बम्बई बॉम्बे अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से थाने तक भारत की पहली यात्री ट्रेन किस वर्ष चली थी? तो ये चला था 1853 में। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में प्रथम बार रेलगाड़ी जो है 16 अप्रैल 1853 को मुंबई एवं थाने के बीच चलाई गई थी, जिसने जो है 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। और भारत की द्वितीय रेल जो है वो 1854 ईस्वी में हावड़ा से हुगली के बीच चलाई गई थी। ठीक है, तो दोनों पॉइंट को याद रखिएगा, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1764 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर निम्नलिखित में से किस स्थान पर था? तो ये बॉम्बे अब जो मुंबई कहा जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1764 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में पहला डाकघर बम्बई में स्थापित किया गया था, तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जॉन मार्ले द्वारा तैयार किया गया मार्ले मिंटो सुधार निम्नलिखित में से किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो ये 1909 ईस्वी में। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में बांटो और राज करो की अंग्रेजों की नीति को वैधानिक दर्जा भारतीय परिषद एक्ट जो था 1919 के अंतर्गत किया गया था, और इस एक्ट के अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र एवं मताधिकार की व्यवस्था की गई थी, जिसने पाकिस्तान का बीजारोपण कर दिया, जो बाद में जो है भारत के विभाजन का कारण बना था। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? अलाई दरवाज़ा ये कहाँ पर स्थित है? तो ये नई दिल्ली में है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अलाई दरवाज़ा का निर्माण जो है 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा हुआ था, और यह कुतुब मीनार के पास इसके दक्षिण में स्थित है। निर्माण और अलंकरण के इस्लामी तरीकों का उपयोग करके बनाए जाने वाले पहले भारतीय स्मारक के रूप में इंडो इस्लामिक वास्तुकला में जो है इसका एक विशेष महत्व है। इसे जो है यूनेस्को द्वारा 1993 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में जो है सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो अलाई दरवाज़ा को जो है यूनेस्को द्वारा 1993 में विश्व धरोहर के रूप में भी रखा गया है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान और इसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, वह निम्नलिखित में से किस शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है?
तो ये मैसूर से, ठीक है, मैसूर से जो है 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हैदर अली दक्षिण भारतीय मैसूर राज्य के सुल्तान और वस्तुतः शासक था। अंग्रेज़ों के साथ मैसूर के 4 युद्ध हुए थे। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है, जो हुआ था 1782 को, हैदर अली की मृत्यु हो गई थी उसी में, ठीक है। और टीपू सुल्तान जो हैदर का पुत्र था उसने इस युद्ध को जारी रखा। अंततः चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में जो है टीपू सुल्तान की भी मृत्यु हो गई। और श्री रंगपट्टनम जो मैसूर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, यहाँ एक मुस्लिम बाग है जिसे टीपू सुल्तान, उसके पिता हैदर अली और उसकी माँ फकर उन निशा की वहाँ पे कब्र भी बनाई गई है, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुगल शासक के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या है? तो कानून और व्यवस्था बनाए रखना, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कोतवाल की नियुक्ति जो है केंद्रीय सरकार करती है। यह नगर में घटने वाली समस्त घटनाओं के प्रति उत्तरदायी होता था जो है, और अपराधियों को दंड देने में असमर्थ होने पर कोतवाल को हरजाना भी भरना पड़ता था। राजस्व एकत्र करने का कार्य दीवान का होता था, ठीक है। तो यहाँ पे मुगल शासक के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका थी कानून और व्यवस्था बनाए रखना, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी? तो ये बॉम्बे में, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दयानंद सरस्वती का जन्म जो है गुजरात की एक मौरवी नामक ग्राम में हुआ था, और इनका बचपन का नाम जो है मूल शंकर था, और इसके गुरु का नाम जो है स्वामी बिरजानंद था। 1875 में इन्होंने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की, और इसका उद्देश्य वैदिक धर्म की पुनः स्थापना करना और पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव से जो है भारतीय सभ्यता और संस्कृति को विकृत होने से रोकना था, ठीक है। तो सारे पॉइंट को याद रखिएगा, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेगस्थनी जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी है वह मूल रूप से किस देश के थे? तो वो ग्रीस का था, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनान निवासी सेल्यूकस को 305 ईस्वी पूर्व पराजित किया, और सेल्यूकस ने जो है अपने राजदूत मेगस्थनी को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा, और जिसने जो है मौर्य प्रशासन पर इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी, और वर्तमान में यूनान ग्रीस को कहते हैं, ठीक है, यूनान को ग्रीस को कहते हैं, और यह यूरोप महाद्वीप का एक देश है, इसकी राजधानी जो है एथेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे सारे पॉइंट को याद रखिएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने, खाली जगह है यहाँ पे, बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश देते हुए अपने मत का आधारशिला रखी थी, तो ये कहाँ पे? तो ये सारनाथ में, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। महात्मा बुद्ध को बोधगया के पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। यही सारनाथ में उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को सर्वप्रथम उपदेश दिया था, जिसे बौद्ध धर्म ग्रंथों में क्या कहा जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है, ठीक है, धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और महात्मा बुद्ध ने जन साधारण को अपने उपदेश जो दिए थे वो पाली भाषा में दिए थे, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया था? तो आप लोग जानते होंगे अकबर के द्वारा, ठीक है, मुगल सम्राट द्वारा आगरे में लाल किला, फतेहपुर सिकरी, इलाहाबाद में लाल किला, लाहौर का किला, ये सभी निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर ने करवाया था। और दिल्ली में के लाल किले का निर्माण जो है, दिल्ली का जो लाल किला है वो करवाया था शाहजहाँ, ठीक है, शाहजहाँ ने वो करवाया था। और दिल्ली के पुराने किले का निर्माण जो है, पुराने किले जो हैं दिल्ली में, तो उसको करवाया था किसने? शेरशाह सूरी, ठीक है। तो तीनों पॉइंट को याद रखिएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आगरे का किले का। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे? कानपुर के नेता पूछ रहा है, तो यहाँ पे कानपुर से थे नाना साहब, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के दौरान जो है कानपुर विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब, इनका मूल नाम था धोधुपंत, ठीक है, धोधुपंत,
इन्होंने किया था, और इनका कमांडर इन चीफ़ जो था वो तात्या टोपे, जिसका मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे का पुराना मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग, जो नाना साहब का जो है क्या था, कमांडर इन चीफ था। और नाना साहब बाद में पकड़े जाने से बचने के लिए नेपाल चले गए थे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय नेता पावर्टी अन एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं? पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो ये है दादा भाई नौरोजी। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी भारत के जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहे जाते हैं, और इन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत का वर्णन जो है अब इस पुस्तक में किया था, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें जो है उन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत इसी बुक में बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1881 में केसरी अखबार की स्थापना किसने की थी? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने किया था, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक ने जो है 1881 ईस्वी में मराठी भाषा में केसरी समाचार पत्र का संपादन आरंभ किया, और वेलेंटाइन चिरोल ने इन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा था। किसको? बाल गंगाधर तिलक को वेलेंटाइन चिरोल ने जो है भारतीय अशांति का जनक कहा था। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है अपने आप में। और इन्हीं का प्रसिद्ध नारा था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, जिसे मैं लेकर रहूँगा। तो दो तीन पॉइंट हैं यहाँ से आप लोग याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भव्य जैन स्तूप के अवशेष को कंकाली टीला के पास खोद कर निकाला गया, जो कि स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है? तो ये मथुरा में। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मथुरा में जो है भव्य जैन स्तूप के अवशेष को कंकाली टीला के पास खोद कर निकाला गया। कंकाली टीले पर जो है कंकाली देवी का मंदिर स्थित है। इस टीले का उत्खनन जो है 1890 से लेकर के जो है 91 में डॉक्टर फुहरर के नेतृत्व में हुआ था, जिसमें जो है प्रसिद्ध जैन स्तूप मिला था। तो ये कहाँ पे है? तो ये मथुरा में है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी? तो दस्तक। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुशीनगर बौद्ध लोगों का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, यहाँ पे एक उपस्थित है। तो यहाँ पे रामभर स्तूप उपस्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कुशीनगर स्थित जो है रामभर स्तूप महापरिनिर्माण मंदिर से जो है लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, और यह मान्यता है कि ये मंदिर उसी जगह बना है जहाँ भगवान बुद्ध को दफनाया गया था, जबकि मूल गंधकुटी बिहार सारनाथ स्थित प्रसिद्ध बौद्ध स्थल माना जाता है। तो यहाँ पे ये रामभर स्तूप जो है ये कुशीनगर में जो महापरिनिर्माण मंदिर है वहाँ से 1.5 किलोमीटर पर ये उपस्थित है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन 1905 ब्रिटिश वायसराय द्वारा किया गया, तो किसके द्वारा? तो करजन के द्वारा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बंगाल विभाजन की घोषणा जो है 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड करजन द्वारा की गई थी, जो 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक शेयर भी आप लोग करते रहिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे खाली स्थान है, मैं विश्व धर्म संसद 1893 में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताया था, तो ये कहाँ पे? तो ये शिकागो में। ठीक है, सन 1893 ईस्वी में शिकागो की विश्व धर्म महासभा में विश्व के सभी धर्मों के बीच संवाद बनाने की कोशिश की गई, और जिसमें स्वामी विवेकानंद ने भारत के हिंदू धर्म का जो है प्रतिनिधित्व किया था, और उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया है। किसने? विवेकानंद ने। ठीक है, तो दोनों पॉइंट को याद रखिएगा, यहाँ पे भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।